सूफी संवाद अभियान की भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज एक बड़ी बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी पहुंचे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बैठक को लेकर आप? बिल्कुल, देश भर के सूफी संतों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो देश के सूफी संत हैं उनके सुख दुख में हमें शामिल होना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए और उनका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सखी मोर्चा देश भर में सूफी लोगों से संवाद करने काम कर रहा है और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि पहली बार देश को संत प्रधानमंत्री मिला है, सूफी प्रधानमंत्री मिला है और फरिश्ता प्रधानमंत्री मिला है। इसलिए वो अपने लोगों का चिंता कर रहा है और उनकी चिंता में हम शामिल होकर। अच्छा, पीएम मोदी ने जो कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, वो लगता है आपको सपना जो है मुसलमानों का साकार हो रहा है? मदरसों की जिस तरीके से तस्वीर बदल रही है, मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, बिल्कुल बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ये जो कल्पना है एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, वो बिल्कुल दिख रहा है लोगों को। आज विपक्ष जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताती है, सर जो विपक्ष अपने आप को आज कितना हितैषी है, देश ने देखा है और उत्तर प्रदेश ने देखा है, आज तक किसी ने कोई चिंता नहीं की। अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे जमाल सिद्दीकी, लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।